मैं समझती हूँ कि जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है और जो सभी समाज को लेके चलने की जो आज बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोग बात तो करेंगे लेकिन कोई कार्य नहीं करेंगे। ये लोग जातिगत गणना नहीं कराएंगे, जिसकी लगातार मांग रही है सरकार द्वारा। और मेरा मानना है कि आने वाले उपचुनाव में सरल से नहीं, पूरे प्रदेश में जहाँ 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और जहाँ 10वीं सीट पे चुनाव कराने की बात ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वो एक विधानसभा में साथ में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो इनकी दोगली बातों को दर्शाने वाला काम है। मैडम, 19 मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय द्वारा जारी की गई है, तो ठीक है। पहल को काफी हॉट सीट माना जा रहा है, यहाँ पे बीजेपी ने आपके ही रिश्तेदार को मैदान में उतारा, अंकेश। क्या लगता है किस तरह का प्रभाव डाल पाएंगे? मैं समझती हूँ यह एनडीए और पीडीए की लड़ाई और यह विचारधारा सिद्धांतों की लड़ाई और यह हमारे संविधान को जहाँ बचाने की लड़ाई है, वही आज जो हालात पूरे प्रदेश में है, जहाँ लगातार हमारे युवा बेरोजगार है, जहाँ हमारे किसान परेशान हैं, जहाँ हमारी माताएं सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ लगातार अन्याय हो रहा है सभी के खिलाफ, सभी के साथ अन्याय जो हो रहा है, ये उसकी लड़ाई है। और इस लड़ाई में मेरा मानना है कि पूरा करल एकजुट होके दिखाई देने वाला। मैडम, आरोप लगा रहा है प्रयोगशाला में नारे बनाए गए हैं और नारे मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जा रहे हैं, आपने सुना होगा कि वो सभी इनके सबसे बड़ी प्रयोगशाला में सबसे बड़ा जो प्रयोग किया गया इनके द्वारा, और जो भ्रम की राजनीति और जो देश को बांटने की राजनीति जो करी गई भाजपा के द्वारा, वो आज सभी लोगों के सामने उजागर है। तो मैं समझती हूँ कि जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है और जो सभी समाज को लेके चलने की जो आज बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोग बात तो करेंगे लेकिन कोई कार्य नहीं करेंगे। ये लोग जातिगत गणना नहीं कराएंगे, जिसकी लगातार मांग रही है सरकार द्वारा। और मेरा मानना है कि आने वाले उपचुनाव में सरल से नहीं, पूरे प्रदेश में जहां 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और जहां 10वीं सीट पर चुनाव कराने की बात ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वो एक विधानसभा में साथ में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो इनकी दोगली बातों को दर्शाने वाला काम है। मैडम, 19 मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय द्वारा जारी की गई है, तो ठीक है। पहल को काफी हॉट सीट माना जा रहा है, यहाँ पे बीजेपी ने आपके ही रिश्तेदार को मैदान में उतारा, अंकेश। यहाँ से क्या लगता है किस तरह का प्रभाव डाल पाएंगे? मैं समझती हूँ यह एनडीए और पीडीए की लड़ाई और यह विचारधारा सिद्धांतों की लड़ाई और यह हमारे संविधान को जहाँ बचाने की लड़ाई है, वही आज जो हालात पूरे प्रदेश में है, जहाँ लगातार हमारे युवा बेरोजगार है, जहाँ हमारे किसान परेशान हैं, जहाँ हमारी माताएं सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ लगातार अन्याय हो रहा है सभी के खिलाफ, सभी के साथ अन्याय जो हो रहा है, ये उसकी लड़ाई है। और इस लड़ाई में मेरा मानना है कि पूरा करल एकजुट होके दिखाई देने वाला। मैडम, आरोप लगा रहा है प्रयोगशाला में नारे बनाए गए हैं और नारे मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जा रहे हैं, आपने सुना होगा कि वो सभी इनके सबसे बड़ी प्रयोगशाला में सबसे बड़ा जो प्रयोग किया गया इनके द्वारा, और जो भ्रम की राजनीति और जो देश को बांटने की राजनीति जो करी गई भाजपा के द्वारा, वो आज सभी लोगों के सामने उजागर है।